इंडिया वर्सेस बांग्लादेश तीसरा वनडे। जी हाँ दोस्तों, भारत ने तीन वनडे मैचों की सीरीज के तीसरे मुकाबले में बांग्लादेश को 227 रनों से हरा दिया। दोस्तों इस जीत के साथ ही वह सीरीज में क्लीन स्वीप होने से बच गया। बांग्लादेश ने सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर लिया। तीसरे मुकाबले में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत ने 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 409 रन बना दिए। जवाब में बांग्लादेशी टीम 34 ओवर में 182 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ तीन वनडे मैचों की सीरीज के आखिरी मुकाबले में 227 रन से जीत हासिल की। बांग्लादेश के खिलाफ टीम इंडिया की वनडे में यह सबसे बड़ी जीत है। उसने इससे पहले 11 अप्रैल 2003 को उसके खिलाफ ढाका में 200 रन से जीत हासिल की थी। मुकाबले में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत ने 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 409 रन ठोक डाले। जवाब में बांग्लादेशी पूरा टीम 34 ओवर में मात्र 182 रन ही बना सकी। दोस्तों भारत की जीत के हीरो ईशान किशन, जिन्होंने मात्र 131 बॉल पर 210 रन ठोक डाले। विराट कोहली मात्र 91 गेंद पर 113 रन ठोक डाले। जी हाँ दोस्तों, विराट कोहली का यह 72वां सेंचुरी था और ईशान किशन का डबल सेंचुरी। जी हाँ दोस्तों, दोनों इस जीत का हीरो रहे। दोस्तों ईशान किशन ने 210 रन की पारी खेली। यह उनके वनडे करियर का पहला शतक है। अनुभवी विराट कोहली ने 113 रन की पारी खेली। वाशिंगटन सुंदर ने आखिरी ओवर में 27 गेंद पर 37 रन बना दिए। गेंदबाजी में टीम इंडिया के लिए शार्दुल ठाकुर ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए। मोहम्मद सिराज, अक्षर पटेल, उमरान मलिक को एक एक सफलता मिली। बांग्लादेश की बात करें तो उसके साकिबुल हसन 50 गेंद पर मात्र 43 रन बनाए। कैप्टन लिटन दास 29 और यासिर अली 25, महमूदुल्ला 20 रन बनाकर आउट हो गए। उनके गेंदबाजी में तस्कीन अहमद, इबादत हुसैन और शकीबुल हसन को 2-2 विकेट लिए। मुस्ताफी फिजुर रहमान और मेहदी हसन मिराज को एक सफलता मिली। इस तरह से टीम इंडिया ने बांग्लादेश को बुरी तरह से रौनते हुए 227 रन की जीत हासिल की। जी हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लेना। जय हिंद, जय भारत, जय ईशान किशन, जय विराट कोहली, जय हिंदुस्तान।